मॉर्निंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसके ऊपर मेरा ये वीडियो है। इट रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस। यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिलेक्शन ऑफ एसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है जिसमें कंपनी का फंड को इन्वेस्ट करना है। एसेट्स विच आर ऑब्टेन बाय द बिजनेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स। ऑन द बेसिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों के बारे में क्या क्या बोलते हैं। दिस इज रेफर्ड टू एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ले सकते हैं। इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल बाइंग अ न्यू मशीन। फॉर द सेम पर्पज द फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल इन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी करना चाहेंगे तो हम लोग हर तरह के अल्टरनेटिव को मेजर करेंगे और फ्यूचर में देखेंगे उससे हमारा रिटर्न क्या आ रहा है और प्रॉफिट का कंपेरिजन कैसा है। जबकि हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आए, दिस इज रेफर्ड टू एज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि वर्किंग कैपिटल टू डे बिजनेस में काम आता है। इसके लिए हम लोगों को रेफर करना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। इट रिलेट टू द इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश, स्टॉक, डेटर एटसेट्रा। फाइनेंस मैनेजर हैज टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशियंट इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स एज दे अफेक्ट द लिक्विड पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो इसमें इन्वेस्टमेंट उतना करना है जितना कि आप इसको रोल कर सको, क्योंकि ये बिजनेस के लिक्विड पोजिशन को इफेक्ट करता है। अगर आपने ज़्यादा स्टॉक में पैसा लगा दिया और स्टॉक अगर मार्केट में नहीं निकल रहा है तो आपका पैसा फंस सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सबसे पहले कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। वी नो द इन्वेस्टमेंट डिसीजन is related with investment in long-term assets. These assets involve both cash outflow and cash inflow over a series of year. The amount needed for investment is known as cash outflow. On the other hand, return from the same investment is known as cash inflow. यानी कि जो पैसा हम लोग लगाते हैं assets में उसको cash outflow बोलते हैं और उस asset से जो income होता है उसको cash inflow बोलते हैं। Both these need to be analyzed carefully. और इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के cash flow को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। द रेट ऑफ रिटर्न, अ प्रोजेक्ट में नॉट बी प्रॉफिटेबल एज कंपेयर टू अदर। द क्राइटेरियन टू डिसाइड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट इज देयर रिस्पेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिस्क अटैच्ड विथ इट। यानी कि रेट ऑफ रिटर्न के साथ में हम लोगों को इससे जुड़ा हुआ रिस्क को भी देखना है कि रेट ऑफ रिटर्न तो मिल रहा है लेकिन अगर रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखना होगा कि शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना है या लॉन्ग टर्म लेना है। देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, देयर मे बी अ मेनी क्राइटेरिया ऑफ द इन्वेस्टर वाइल इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। दीज आर फंड इन्वॉल्व, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो एटसेट्रा। ऑल दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू गो फॉर अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और नॉट। अब अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो इसके बारे में कुछ दिया है। दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कीपिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल एट ऑल द टाइम इन द बिजनेस। यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा का जरूरत है वो हमेशा हमारे बिजनेस में होना चाहिए, इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। एडिक्वेट अमाउंट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड नीदर बी मोर नॉर लेस देन रिक्वायर्ड। तो ये था मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके लिए क्या क्या पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। थैंक यू।